नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब बड़े ही शानदार आपको जो है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम भारत में हुए प्रमुख युद्ध के रूप में पार्ट टू के रूप में देखेंगे। पहले पार्ट में हम सबने प्राचीन और मध्यकालीन भारत में हुए प्रमुख युद्धों को देखते हैं, जिसमें दशराग युद्ध, कलिंग युद्ध से लेकर अंतिम रूप से पानीपत के तृतीय युद्ध तक हम सब देखते हैं। तो उस प्रश्न में, उस श्रृंखला में हम सब ने कई महत्वपूर्ण युद्धों को देखा। आज हम सब आधुनिक भारत में हुए प्रमुख युद्ध के श्रृंखलाओं से रूबरू होंगे। तो एक बार शानदार तरीके से जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हो, चाहे वह आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय हो, पानीपत का युद्ध हो, वांडीवास का युद्ध हो, या आपको बक्सर का युद्ध हो, आंग्ल सिख युद्ध हो, या आपको वर्तमान में जो है पाकिस्तान भारत के बीच, भारत चीन के बीच, इन सभी युद्धों के विषय में एक शानदार महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। तो एकदम धैर्य से, आराम से चीज़ों को देखिए। कब कौन किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करिए। साथ साथ एक महत्वपूर्ण बातें कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो कलम कॉपी लेकर बैठो। कलम कॉपी लेकर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है आप सबको चीजें और बेहतर तरीके से बेटा समझ में आएंगी, वरना वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के रहिए और अपनी तैयारी इसी निरंतर गति से करते रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, हम सब देखते हैं भारत में हुए, आधुनिक भारत में हुए प्रमुख युद्धों के विषय में देखेंगे। तो आधुनिक भारत की शुरुआत यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों की शुरुआत जो होते हैं, यहीं से हम सब आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में रूबरू होंगे। और वो भी पहला युद्ध पलासी का युद्ध से स्टार्ट होगा और आपको वर्तमान तक यानी कारगिल युद्ध तक हम सब इस कवर पेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से आप सबको शुक्रिया, ठीक ना। तो एक बार सभी को नमस्कार, सारे लोगों को बेटा, ठीक ना, सारे लोगों को माही यदुवंशी जी, एकदम सभी सभी को, ठीक ना, माही यदुवंशी जी सभी को। चलिए जय हिंद, जय भारत भैया, सभी को भैया नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सारे लोगों को सत श्री अकाल, ठीक। चलिए देखिए हमारी संस्था की ओर से आपको सुपर टेट शानदार तरीके से महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको पढ़ाई गई है। ये सुपर टेट आपको जो है ये मात्र 1699 रुपए में ये श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से उपलब्ध है। वही यूपी टेट 900 रुपए में, यूजीसी नेट 900 रुपए में और एसएससी जीडे आपको 600 रुपए में उपलब्ध है। 700 में, 699 यानी 700 रुपए में आपको उपलब्ध है। आप इन श्रृंखलाओं के साथ जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आइए हम सब पहला युद्ध देखते हैं, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध वह युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों की नींव यानी ब्रिटिश सत्ता की नींव जो थे ये पलासी के युद्ध से स्थापित होता है। पलासी का युद्ध जो है ये पश्चिम बंगाल में पलासी मैदान में लड़ा गया और यह युद्ध 30 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और आपको अंग्रेज सेनापति जिसका नाम लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ जिसमें क्लाइव की विजय हुई। तो पलासी के युद्ध को देखते हैं 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन के नींव पड़ी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक ना, आईएमपी लाइन है, याद कर लेना। पलासी का पहला युद्ध मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नादिया जिले में भागीरथी के किनारे पलासी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना
ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और नवाब सिराज दौला को हरा दिया। इसी के साथ ही भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध भारत में यूरोपीय शक्ति जो आई थी भारत में, जिसमें आपको पुर्तगाली, आपको जो थे कि डच, डेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेज थे, इनके बीच भी आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही थी। और ये प्रतिद्वंदिता, इसके पहले वेदरा का युद्ध था। वेदरा के युद्ध में आपको पुर्तगालियों को पूरी तरह से डचों को पराजित कर देते हैं अंग्रेज, और डच अपनी सारी संपत्ति यहीं पे बेच बाच के चले जाते हैं। अब इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में कौन होता है, तो इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी थे, ठीक ना, फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों के और इनके बीच कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध देखते हैं। और इसी युद्ध के समाप्ति के बाद अंतिम रूप से वांडीवास का युद्ध हम सब देखेंगे। और 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व जो था वो किसने किया था, तो अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व आयर कुट ने और फ्रांसीसियों की ओर से नेतृत्व काउंट डी लाले द्वारा किया गया। और इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई और भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापना हुई, ठीक ना। यानी अब अंग्रेजों के कोई भी प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं रहा। ये यहां पे प्रमुख बातें रही। चलिए नेक्स्ट देखिए, बक्सर का युद्ध। ये आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध आपको लड़ा गया। ये युद्ध, बक्सर का युद्ध जो है, दो लोगों के बीच हुआ, एक संयुक्त सेना और दूसरी ओर अंग्रेज थे। संयुक्त सेना में शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ये संयुक्त भारतीय थे, भारतीय सेना, ये याद रखिए, संयुक्त भारतीय सेना ये के बीच हुआ, ठीक ना। और इस युद्ध में अंग्रेजों के विजय हुए। अंग्रेजों की ओर से आपको जो है युद्ध का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। और हेक्टर मुनरो ने आपको तीनों सेनाओं को पराजित किया। इस तरह आप कह सकते हैं अंग्रेजों के भारत में ये प्रथम विजय मानी जाती है, जिसमें ये कोई संदेह नहीं था कि अंग्रेज युद्ध को नहीं लड़े, ठीक ना। अंग्रेजों ने इसमें किसी बाह्य सत्ता का सहायता नहीं लिया। और इस समय आपको जो थे बंगाल के गवर्नर विंसी टॉट थे, ये बात भी आप याद रखिएगा। बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के गवर्नर विंसी टॉट जो थे, ये बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो ये बातें आप याद रखिए। चलिए, इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, ये भी याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि के संधि। तो ये सभी बातें याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आपको 1767 से 1769 ईस्वी तक ये युद्ध चला। ये युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच, यानी मैसूर का नवाब टीपू सुल्तान के बीच यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जो था लॉर्ड वीर लस्ट थे। और आपको युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के साथ हुए, जो 1779
आपको 79 में मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के बीच आपको लड़ा गया, जिसका मद्रास से ये हुआ। आपको मैसूर राज्य जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अपने हिंदी शानदार तरीके से अपने हिंदी आपको पढ़ाई गई है, ये जबरदस्त बुक है, पढ़ाई किया गई है, जबरदस्त बुक है। और अपने हिंदी नितिन सर के द्वारा ये लिखा गया है, और आप इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे कवर करने का प्रयास नहीं किया गया है, तो आप इसे जरूर से पढ़िए, शानदार तरीके से आप सबके लिए ये लाभकारी होगा। वीडियो की बुक आपको 199 रुपए में है, और यह बुक भी आप सब खूब अच्छे से पढ़ सकते हैं। पेट कम्बो, इसमें प्रैक्टिस सेट और पेट दोनों बुक है, यानी प्रैक्टिस सेट और ये दोनों उपलब्ध है, आप इसे भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ में यदि सिर्फ पेट की बुक चाहते हैं तो आप 300 रुपए देकर आप अपने घर किसी तरह का कोई भी झंझट बिना मार्केट गए आप अपने यहाँ होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। आरओ की ये हिंदी की बुक है और शानदार तरीके से लिखी गई है, ये किताब भी आप सबके लिए लाभकारी है। इसके अलावा आपको लेखपाल की कम्बो बुक ये भी है। तो ये जितनी भी किताबें मंगाएंगे इस पर किसी तरह का कोई भी आपको डाक का चार्ज नहीं देना होगा, यानी फ्री डिलीवरी आपको उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 के बीच लड़ा जाता है। यह युद्ध हैदर अली और आपको अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ, ठीक ना, जिसमें ये युद्ध अनिर्णित साबित हुआ, यानी इस युद्ध में ये इसका कोई पूर्णतया निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध में टीपू सुल्तान हैदर अली के मृत्यु हो जाते हैं, और इसके बाद टीपू सुल्तान इस युद्ध को जो है करता है, लेकिन अनिर्णित युद्ध हुआ और मंगलौर की संधि के साथ ये युद्ध आपको बंद हो जाता है। अंग्रेजों ने इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ, और उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य सीमा के अंतर्गत माही की फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। उसने मराठा और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली थी, जिसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक ना। तो ये अंग्रेजों के कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी नीति के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ, और यह युद्ध अनिर्णायक साबित हुआ, यानी इस युद्ध में आपको जो है किसी की विजय नहीं हुई। मंगलौर की संधि के साथ यह युद्ध आपको बंद हो जाता है। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है 1790 से 92 ईस्वी तक ये युद्ध आपको लड़ा गया। ये युद्ध मुख्य रूप से टीपू सुल्तान और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, और लेकिन श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध आपको जो है समाप्त होते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यह मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ, और यह युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध का आपको मालिक का तृतीय युद्ध था, ठीक ना। यह युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, क्या सब टाइप किए हैं भाई, यह युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, एकदम टाइप करके सब लिप पोत के बराबर कर देते हैं सब। नेक्स्ट देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1798 से 99 के बीच चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ, और इसमें गवर्नर के रूप में लॉर्ड वेलेस्ले रहता है। लॉर्ड वेलेस्ले स्वयं को बंगाल का शेर कहकर संबोधित करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ ये मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। इस युद्ध में टीपू के हार हुए, और टीपू युद्ध भूमि में
मारा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपको जानते हैं, इसमें अंग्रेजों का मैसूर पर कब्जा हो जाता है, यही इसका मुख्य बातें रहती है। यानी अब जो है मैसूर राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों ने 1775 से 82 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ और इस समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड क्लाइव आपको रहते हैं। सालबाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी में हुई, इस युद्ध की संधि के साथ ही आपको यह युद्ध बंद हो जाता है। महादजी सिंधिया के प्रयास से यह युद्ध समाप्त हुआ। माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया। अंग्रेजों को साल सीट एवं एलिफेंटा द्वीप दे दिए गए। राघोबा को पेंशन की व्यवस्था की गई। ये युद्ध मुख्यतया आपको जो है कि मराठा साम्राज्य में पेशवा के उत्तराधिकार के रूप में ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। राघोबा का समर्थन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, लेकिन महादजी सिंधिया के प्रयास से माधव नारायण राव जो थे ये पेशवा बनते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपको 1503 से 1506 तक ये लड़ा गया। ये युद्ध आपको जो है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ। इसमें भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आपको लॉर्ड वेलेसली हुआ करते थे, ठीक ना, और ये युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध की प्रमुख बातें आप देखोगे तो मराठे पूना में रेजिडेंट के नियुक्ति से नाराज थे। सिंधिया, भोसले और होलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। अंग्रेजों ने इन्हें अलग अलग युद्धों में हराया और अलग अलग संधियां की, जैसे सिंधिया के साथ सूजी गांव की संधि, भोसले के साथ देवगांव की संधि, होलकर के साथ राजपुर के संधि। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना जो थे इसका नेतृत्व जो है कि लॉर्ड वेलेसली के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट, ये आपको इंडिविजुअल जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, ये आप परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये श्रृंखला आप सबके लिए शानदार तरीके से मात्र 999 रुपए में ये श्रृंखला उपलब्ध है। आप इसका भरपूर लाभ लीजिए और अपनी तैयारी निरंतर इसी रूप में जारी रखें। नेक्स्ट देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये युद्ध मराठों के लिए निर्णायक साबित हुआ और इसके साथ ही मराठों की शक्ति अंग्रेजों के द्वारा कुचल दी जाती है और अंग्रेज जो है अब समस्त मराठे आधिपत्य पर जो है यानी पूना पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है और पेशवा को उठाकर बिठूर भेज दिया जाता है। तो आइए हम सब देखते हैं ये युद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। ये युद्ध आपको 1817 से 18 में लड़ा गया। मराठों और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स इस युद्ध में भाग लिए। 1818 ईस्वी में, आठ नहीं बेटा, 1818 ईस्वी में यह युद्ध आपको समाप्त हो गया। यह युद्ध पिंडारियों की समस्या के कारण उत्पन्न हुआ था। इस युद्ध में मराठों के निर्णायक हार हुए। मराठा संघ को भंग कर दिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया गया तथा अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देने की व्यवस्था की। इन्हीं इसी समय में आपको जो है कि पिंडारियों को जो है कि मैलकम कहता है, मराठों का शिकारी कुत्ता कहकर संबोधित मैलकम के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी बातें आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये आपको जो है 1845 से 46 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के समय
भारत में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। यह युद्ध लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि के साथ ये युद्ध अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टुकड़ियां जो थे सिख और अंग्रेजों की टुकड़ियां, इनके बीच युद्ध होता है और ये आपको अलग अलग स्थानों पे संधियां होती हैं। इस युद्ध के समय पंजाब का नेतृत्व अयोग्य हाथों में था और इसे देखकर अंग्रेजों के महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। पंजाब में राजनीतिक नेतृत्व एवं सैनिक नेतृत्व के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था। अंग्रेजों ने लुधियाना में मेजर ब्रॉडफुट को नियुक्त किया जो सिखों का प्रबल विरोधी था। अंग्रेज पंजाब के उत्पादक क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। दिलीप सिंह के वयस्क होने तक अंग्रेजों की सेना लाहौर में रहेगी, ऐसे इस संधि के तहत आपको हुई। अंग्रेजों ने राजी जिंदा को पेंशन देकर शेखपुर भेज दिया। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में सिखों और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ। लॉर्ड डलहौजी इस युद्ध के समय आपको जो है गवर्नर जनरल के रूप में था। यह युद्ध 1859 ईस्वी में समाप्त हो गया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज एवं हजारा के गवर्नर जतर सिंह ने इस आंदोलन के समय यानी इस द्वितीय सिख युद्ध के समय अंग्रेजों का विरुद्ध किया था। चिलियाना का युद्ध, यह युद्ध भारतीय इतिहास में 1848 ईस्वी में लड़ा जाता है और इस युद्ध में शेर सिंह एवं अंग्रेज सेनापति जनरल गफ के बीच होता है। गफ को हटाकर इसी युद्ध में चार्ल्स नेपियर को आपको नियुक्त किया जाता है। दूसरा युद्ध गुजरात का युद्ध, यह युद्ध सिखों के हार के लिए निर्णायक सिद्ध साबित हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया और पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। पंजाब के विलय के विरोध में हेनरी लॉरेंस ने आपको पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया और कोहिनूर हीरा जो था वो अंग्रेजों के पास चला गया। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842, यह युद्ध अंग्रेजों और अफगानों के बीच अफगानिस्तान में उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण प्रारंभ हुआ था। यह युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में लड़ा गया और इस युद्ध की समाप्ति 1842 ईस्वी में हुई। इस युद्ध के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। अंग्रेजों का आक्रमण पूर्णतया असफल रहा। दोस्त मुहम्मद अफगानिस्तान का नया नवाब बना जिसे अंग्रेज नहीं चाहते थे। कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह सुजा के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक ना, ये युद्ध कब लड़ा गया तो 1878 से 80 के बीच प्रथम आपको जो है आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध लॉर्ड लिटन, ठीक ना, लिटन, लॉर्ड लिटन के समय में लड़ा गया और 1880 ईस्वी में यह युद्ध आपको समाप्त हुआ। यह युद्ध में अंग्रेजों को पूर्णतः आपको असफलता हाथ लगी और अब्दुल रहमान अफगानिस्तान का नया अमीर बना। नितिन सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर के द्वारा यूट्यूब पे शानदार तरीके से आप सबको पढ़ाए गए हैं। ये भारतीय इतिहास तीनों प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राजव्यवस्था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सभी आपको यहां पे पढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चिलियाना का युद्ध, ये आपको 1849 ईस्वी में चिलियाना का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच यह युद्ध हुआ था
इसमें सिखों की हार हुई थी। चिलियाना की लड़ाई 13 जनवरी 1849 को हुआ, जिसे हम द्वितीय आंग्ल अफगान सिख युद्ध के रूप में जानते हैं। और इस युद्ध का निर्णय नेतृत्व जो है शेर सिंह के द्वारा किया गया। भारत चीन सीमा युद्ध, ये आपको 1962 ईस्वी में आपको युद्ध हुआ, यानी आजादी के बाद लड़ा जाने वाला ये पहला युद्ध माना जाता है। चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया गया और कुछ दिनों तक आपको जो है कि युद्ध हुआ। युद्ध के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई, भारत को अपनी सीमा से कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा। भारत और चीन के बीच 20 अक्टूबर 1962 को यह युद्ध शुरू हुआ था, ठीक ना, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सैनिक शहीद हुए थे और भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध के पश्चात ही अक्साई चीन का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये चीन के पास चला गया है। भारत पाक युद्ध, ये 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया, जिसमें पाकिस्तान की पराजय हुई और ये युद्ध शिमला समझौता के साथ आपको समाप्त हुआ। दोनों देशों के बीच भीषण हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 23 सितंबर के दिन युद्ध विराम हुआ। दोनों देशों के बीच यह लड़ाई मुख्य रूप से पैदल सेना और टैंक डिवीजन के बीच लड़ी गई, लेकिन नौसेना ने भी अपना योगदान दिया। यह पहला मौका था जब दोनों देशों की वायुसेना ने भी जंग में भाग लिया था। भारत पाक युद्ध, ये 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई और इस युद्ध के पश्चात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। 16 सितंबर 1971 ईस्वी को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना, और इस युद्ध में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने बलि आपको सरेंडर कराया था। 71 की लड़ाई आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेक दिए थे। अंतिम आधुनिक भारत की लड़ाई का अंतिम युद्ध कारगिल का युद्ध, 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध लड़ा गया। ये कारगिल जो है जम्मू कश्मीर के पास द्रोण और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों के बीच यह युद्ध लड़ा गया। 8,000 फीट के ऊंचाई पर कारगिल का यह युद्ध करीबन 2 माह तक चला, जिसमें 527 वीर सैनिक शहादत हुए, 1,300 से ज्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए। पाकिस्तान के लगभग 1,000 से 1,200 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के यानी भारत के विजय हुई। कैप्टन बत्रा आप याद रखे होंगे, ठीक ना, ये आपको इसी से संबंधित है। तो इस तरीके से आप सबने शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखे। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और आप सब अपनी तैयारी इसी रूप में जारी रखेंगे। तो चलिए आज की श्रृंखला यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।